हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि बीएड के एग्जामिनेशन का जो है टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन जो हैं अब लिए जा रहे हैं। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन यही बार बार आ रहा है कि मैम लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे करें, किस तरह से प्लानिंग बनाएं कि हम जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो देखो आज इस वीडियो में जो है लास्ट मोमेंट तैयारी या फिर बोलो कि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एग्जामिनेशन को लेकर के, स्पेशली बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बीएड के जो है पेड क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटीज़ के पेड क्लासेस चलाए जा रहे हैं। और जिनके एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप लोगों का RMPSU का एग्ज़ाम है, पूर्वांचल का एग्ज़ाम है, DDU का एग्ज़ाम है, इन सभी के जो है नोट्स प्रिपेयर कर दिए गए हैं। तो अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं। रज्जू भैया का भी नोट्स रेडी है, तो परचेस करने के लिए जो नंबर दिया गया है उसी पे आपको मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है इधर या उधर भागने के लिए, कुछ भी करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है आप ये देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रख देना है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं, PYQ। ये जो है PYQ, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार देखो, और कम से कम 5 से 6 साल के, मतलब 10 साल करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 5 to 6 years के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके सारे क्वेश्चंस को कर लो। उसमें से एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम ये दिमाग में रखिए। अभी का तैयारी करने का आपका तरीका यही होना चाहिए, पहला। दूसरा जो पॉइंट ये हो रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने का प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस में कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन को समझ में आए, क्वेश्चन को समझ करके जो है आप लोग उसको करो। राइटिंग प्रैक्टिस की जगह सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देख करके आप किस तरह से समझोगे और लिखोगे इसका प्रैक्टिस करो। ये कैसे कर सकते हो, तो ये आप इस तरह से करेंगे कि आप जो है टॉपिक लेकर के बैठ जाइए, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर के ही जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही जो है आप ले लीजिए और उसको लिखने का तैयारी कीजिए कि किस तरह से लिख सकते हैं। मेन मेन पॉइंट्स जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है, ध्यान में देना कि जिनका भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको यही करना है कि मेन पॉइंट्स पे जो है ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट्स को जो है आपको वहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको करनी है, जिसमें आप PYQ करोगे और प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस के साथ बैठ करके। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो आपका थर्ड पॉइंट होगा, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये देखना है कि आप जो है टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में कि आप सारा क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आप जो है उसको लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही आप बोल सकते हो कि की पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो कितने देर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो इस पे ध्यान देना है। तो ये तीन चीज़ पहले कीजिए, एंड देन उसके बाद से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, जैसे आप PYQ करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ है, तो उसको एक बार देख सकते हो। लेकिन अभी का टाइम यही है, लास्ट मोमेंट यही है कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप अच्छे से कीजिए, उसमें आप कोई भी जो है बोलते ना कटौती मत कीजिए। तो ये तीन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। पहला, PYQ पूरा कर लीजिए, अपने यूनिवर्सिटी का PYQ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 to 6 years का तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से प्रैक्टिस में वही सारे क्वेश्चन को लेकर के बैठो, खुद से देखो कि आप कैसे लिख सकते हो। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, उस आंसर के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एंड थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है तो 1.5 घंटे का या एग्ज़ाम देना है तो 1.5 घंटे आप कैसे बैठ पाओगे,
एग्जामिनेशन में वो एक बार बैठ करके खुद भी देखो, उसका प्रैक्टिस करके जाओ और कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो एक बोल सकते हो कि एग्जामिनेशन देने से पहले एक रिहर्सल कर लो अपने घर में अपने अकॉर्डिंग, और जो प्रॉब्लम समझ में आएगी उसको आप दूर कर लोगे। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट का आपका प्रिपरेशन है, जो 1 वीक है आपके एग्जामिनेशन से पहले या 4 दिन है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है जिसमें आप लोग बोलोगे लर्न नहीं होता है, तो अगर लर्न नहीं हो रहा है तो उसका बेस्ट जो वे होता है लिख करके याद करना, लिखते जाओ और वो आपके दिमाग में जो है वो छपते जाएगा चीज़, तो ये आप कर सकते हो। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।